अज सवेरे तो ही सिखा दे चौथे गुरु अते अमृतसर शहर दे बानी श्री गुरु रामदास जी दे प्रकाश पुरब मौके देश विदेश तो वड्डी गिणती विच संगतां नतमस्तक हो रही हन। श्रद्धालुआं दा कहना है कि अज सवेरे तो ही इस नगरी नूं वसाउण वाले लोग श्री गुरु रामदास जी दे प्रकाश पुरब मौके दर्शनां लई आए सन, क्योंकि इस दिन श्री हरिमंदर साहिब अते इस दे परिसर नूं शानदार ढंग नाल सजाया गया है। इस दिन दूर दूर तो संगतां फुल्लां नाल मत्था टेक रही हन। तन तन रामदास गोर जिन सरिया तिन सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया, सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोडी सुल्तान पिता तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज, जिन्हां दा अज प्रकाश गुरपुरब समुचिया ही संगतां वालों सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना और उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। और अज सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दीआं खुशियां नूं मुख रखदिआं होइआं 9 बजे तो लै करके 12 बजे तक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे सुंदर जलौस सजणगे, जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे जलौस सजणगे उत्थे बाबा अटल राय साहब जी विखे श्री अकाल तख्त साहब जी विखे भी जलौस सजणगे। और सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब, जिस महान गुरपुरब उत्ते बेअंत संगतां हाजरियां भर रही ने, सतगुरां के दर्शन दिदारे करके खुशियां प्राप्त कर रही ने, उत्थे संगतां नूं यह बेनती है कि जिन्होंने अजे तक ठंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, अमृत छक के गुरु वाले बनो, सिंह सिंघणियां सजो, नशियां का त्याग करो। सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब दीआं समुचियां ही संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां दिंदा होया अरदास फतेह बुलाउंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी कृपा जी महाराज की जी, आनंद आ गया कि वो आप कर रहा जी, आप जी ये उहदी देण आ, आपां तां कुछ वी नहीं। अंदर किवें दा आनंद आया, क्योंकि सजावट भी हुई है गुरबाणी सर। कोई गल कहन तो बयान नहीं कर सकते, उस घर दी कोई कह नहीं सकते भी ये जिहड़ा भी आ गया तर गया, ये 84 कट्टी की जिहड़ा भी चौं गेटां तो अंदर हो गया वो पार तारा हो गया। उहदा की लगता कि जिवें धन धन श्री गुरु रामदास जी ने निम्रता दिखाई सेवा की, इस तरह ही हर नूं इक नूं सेवा भावना होनी चाहिए होनी चाहिए, पर कुछ अहीं की करते हैं भी वह विचारदे नहीं उस चीज़ नूं। उस इन्नी लुखड़ चाहिए आ भी जिहड़ी चीज़ आ हर आदमी नूं अहीं अपना समझिए है अगे लिखे चलीए, पर उस चीज़ तो थोड़े जे अहीं दूर तुरे जाने, बच्चे दूर तुरे जाते हैं। ये साड़ी बेनती हाँ जी, ये जिन्ना भी इस घर दे विच सलाघा कीती जे थोड़ी आ किणका भी जिहदे इरजे वस गया उहदी महिमा गणी नहीं कर सकदा कोई। ये गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़े की संगतों नूं बहुत बहुत लख लख वधाइया जी, तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा, वेखो संगतों का हड़ आया तो बहुत ही संगतां बड़े उत्साह के नाल अज गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रही ने। वाहेगुरु कृपा करन, सच्चे पातशाह सरबत संगतों के सिर पर मेहर भरिया हथ रख, चढ़दी कला विच रख। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। फुल्लां दी सजावट भी होई है, कितना दा लगदा? बहुत सोहनी सजावट हुई है फुल्लां दी जी, फुल ये बाहर तो फुल मंगाए जाते हैं अकाल तख्त साहब से, बहुत ही वधिया सजावट की हुई आ, ते संगतां बड़े उत्साह के नाल दर्शन मेले कर रही ने, ते परमात्मा का नाम जप रही ने। भाई साहब भाई भिंदरपाल सिंह जी भी आए सी, उन्होंने भी दर्शन मेले किए ने, ते कथा कर रहे ने मंजी साहब विच अजे भी चल रही है, ते संगतां बहुत ही प्यार सत्कार नाल कथा दा कथा सरवण कर रही ने। बहुत वड भागे महसूस करते हैं, क्योंकि साडा जन्म जिहड़ा इस महान दरते होया सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ही, जो सारा बचपन दास दा बीतिया ते इन इस दर तो बहुत कुछ मिलिया, जिहड़ा संगतां विच विचर के जो कवीशरी कला जो महाराज साहिब जी ने सानू बख्शी आ, ते संगतां विच विचर के मैनू सीखण नूं मिली है, ते संगतां विच विचर के मैं बहुत कुछ सीखदा हाँ। अज धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा, जिहड़े गुरु नानक साहिब दी चौथी जोत उन्हों का जो प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा, देशों विदेशों तो संगतों का हाड़ जिहड़ा आया होया है, ते संगतों का ठाठा मारदा कट्ठ वेखण नूं मिल रहा है, ते संगतों विच बहुत उत्साह भरिया दिखाई दे रहा है,
तो अपने वालों तुहानू सारे संगतों को धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश दिहाड़े की वधाई देना हाँ। जिते उत्थे मैं अपील करता हाँ नशा छड़ो अमर छको सिंह सजो बाणी बाणी धारण। अज मैं एक छोटी जी कविता भी लैके आया जो गुरु रामदास जी का जिहड़ा जन्म है धन धन सो पिता धन धन कुल धन सो जन जिन गुरु जन्म है धन धन पिता धन धन कुल धन सो जन जिन गुरु जन्म है। वह माता धन होंगी है जिहड़े गर्भ विच संत महापुरख पैदा होंदा गुरु पैदा होंदा। तो आओ उन्हां दे बाबत जिदा चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान विखे गुरु साहब जी का जन्म हुआ माता दया जो दया कौर की कुख में शहन शाह भाग ला के आते हैं तो पिता हरदास जी के घर आते हैं। आओ उस वीर की वात आप जी के सामने पेश करन जाना बड़े प्यार सत्कार से सरवण करना जी। दस दिंदे हाँ कि श्री अमृतसर साहिब दे बानी चौथे पातशाही श्री गुरु रामदास जी दे 490वें प्रकाश पुरब सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे बहुत श्रद्धा अते उत्साह नाल मनाया गया। देश विदेश तो लखां दी गिणती विच पहुंचियां संगतां ने श्री दरबार साहिब दे पावन सरोवर विच इशनान कीता। ब्यूरो रिपोर्ट जगबाणी टीवी।